शेक की नौकरानी बनके कोर्ट में मुझे चाकू दिखाया गया रिवॉल्वर दिखाया गया बच्चों को कोरोना पॉजिटिव बोल के और उनको डेड बोल के उनके अंगों को निकाल के बेचा जाता था उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया नमस्कार मेरा नाम पल्लवी घोष है मैं पिछले 11 साल से मानव तस्करी पे काम कर रही हूँ Uh, कैसे मैंने शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी तो जब मैं बारह साल की थी तो मैं पश्चिम बंगाल गई थी वेस्ट बंगाल और वहाँ पे मैं घूम रही थी एक गांव में मुझे एक आदमी दिखे जो बूढ़े थे पचास पचपन साल के और वो आ, बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है मैंने आसपास सबको पूछा कि इनकी बेटी कहाँ है तो कोई बोल नहीं पाया मैं थोड़ी क्यूरियस लड़की थी मेरे दिमाग में बहुत आ, प्रश्न होते थे मैं घूमने लगी गांव में पूछने लगी किसी को नहीं पता मैंने उनको पूछा क्या आपको आपने पुलिस थाने पे गए तो उन्होंने बोला हाँ हम पुलिस थाने में गए हमने पुलिस थाने में भी वो किया लेकिन हमको नहीं पता चल रहा मैं ढूंढने लगी कि क्या होता है जो बच्चे गुमशुदा होते हैं उनके साथ क्या होता है मुझे एक ऐसे कोई मिला जिन्होंने मुझे बोला तुम रेलवे स्टेशन जाओ मैं रेलवे स्टेशन विजिट करने लगी तो मुझे दिखे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे औरतें और मर्द जो हिंदी बोलते थे मेरे दिमाग में यह था कि असम जैसी जगह जहाँ पे सब लोग एसमिस बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं ज़्यादातर वो लोग कैसे इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं तो मैं सोचने लगी यार इनको हिंदी इतने अच्छे से पता कैसे है। एक दो से मैंने बात किया तो तब मुझे पता चला कि राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है डूंगरपुर फिर मुझे पता चला ये लोग वहां से यहाँ आते हैं काम करने भीख मांगने तो तब मुझे पता चला क्या गुमशुदगी के साथ ये भीख मांगना कनेक्टेड है मैं दिल्ली आ गई मैंने ग्यारहवीं बारहवीं के बाद दिल्ली आ गई दिल्ली में मैं अचानक मुझे पता लगने लगा कि हरियाणा में राजस्थान में लड़कियों की जो रेशियो है लड़कों के साथ बहुत कम है तो ये तो मैंने सुना चलो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया फिर मुझे पता लगने लगा कि पश्चिम बंगाल से ओडिशा से नॉर्थ ईस्ट से लड़कियाँ गायब होने लगी अचानक फिर मेरी एक सहेली थी उसने ऐसे ही बात बात में मुझे बता दिया कि उनके उनके गांव के गांव में बहुत सारे मर्द हैं जिनकी उम्र चालीस पैंतालीस की है और उनकी बीविया बहुत छोटी है और कहीं और गाँव से है और ऐसी भाषा में बात करती है जिसमें मैं बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आने लगा यार मेरे भाषा में बात करती है हरियाणा में औरतें हैं लड़कियाँ हैं कैसे हो सकता है फिर मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं वो जो ईस्ट की लड़कियां हैं वो लोग इधर आ रही है और यहाँ पे शादी हो रही है फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए उसके बारे में थोड़ा मैंने और रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा बहुत डिटेल में पता लगा कि बहुत ज़्यादा ताद पे बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा चलती थी और बाकी भी कारण है दहेज प्रथा एक है जिसके वजह से आ, क्या हुआ जो यहाँ के लोग हैं पूर्वी भारत के लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा लड़कियों का भ्रूण हत्या करने लगे लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड फीमेल फीटिसाइड ये सब करने लगे जिसके वजह से औरतों और मर्दों का जो रेशियो है बहुत कम होने लगा उसके बाद क्या हुआ वहाँ वो लोग को यहाँ पे तो औरतें नहीं मिलती थी वो लोग क्या करते थे पश्चिम बंगाल से ओडिशा से अलग अलग जगह से लड़कियों को लाना लगे जिसके वजह जिसका मतलब है कि ट्रैफिकिंग होने लगी तस्करी होने लगी और तस्करी हुई तो वो लोग गायब होने लगे जैसे वो लोग गायब होने लगे यहाँ पे आने लगे यहाँ पे लाके आके जबरन शादी होने लगी फोस्ट मैरिज जिसको हम कहते हैं उसके बाद क्या होता है मैरिटल रेप होने लगा अब ऐसा नहीं है कि जो लोगों की नॉर्मली शादी होती है उनकी मैरिटल रेप नहीं होती मैं नहीं बोलती हूँ बट यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ये भी था फिर उसके बाद उनके साथ वो क्या बोलते घरेलू हिंसा होने लगा और फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होने लगी वो है ये कि ये जो बच्चियाँ थी ये दूसरे धर्म की होती थी तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन सब पूर्वी भारतों में क्या होता है अगर अलग कास्ट के लोग शादी करें तो फिर खून और ये सब मारपिटाई ये सब होने लगती है और यहाँ पे तो और लड़कियाँ अलग धर्म की है और उनसे 20-25 साल छोटी है तो आप कुछ सोच सकते हैं कि कैसा होगा मुझे नौकरी मिला बैंगलोर में बहुत अच्छा पैकेज मिला मैंने सोचा नहीं यार ये सब नहीं करना है दिल्ली जाना है दिल्ली आई दिल्ली में मैंने सोचा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ मैंने बहुत सारे मेल्स किए थे गृह मंत्रालय का ये बात किसी को नहीं पता मैं शेयर कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं आया कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि फिर मैंने क्या किया फिर मैंने एक संस्था ने मुझे बुलाया जो मानव तस्करी पे काम कर रही थी जो मैंने पहला रेस्क्यू किया था उसमें क्या था कि हम लोग जब गए थे कोठे में तो क्या हुआ सब सब सारे जो पुलिस वाले थे वो सिविल ड्रेस में थे ठीक है तो क्या हुआ बहुत लोगों के ऊपर अटैक होने का चांसेस था मुझे पता नहीं कैसे किसी ने कुछ नहीं किया तो ये बड़ा आश्चर्य था कि मुझे किसी ने कुछ नहीं किया और बाकी पुलिस वालों के ऊपर मतलब अटैक होने का सिचुएशन था तो पूछा गया कि क्यों क्यों नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ बाद में पता लगा इनको कि बाकी जो लोग थे वो जो जीबी रोड में जो औरतें थी उनके चीज़ों को तोड़ फोड़ रही थी पर मैंने क्या किया मैंने सिर्फ पूछा मैंने सिर्फ सिर्फ ये पूछा कि आपके यहाँ पे लड़की है अगर है तो बता दो तो कहीं ना कहीं वो जो सेक्स थी वहाँ पे जो वैश्यवृत्ती करती है उनको ये लगा कि ये जो लड़की है ये हमें इज्जत दे रही है तो हमें भी अच्छे से बात करना चाहिए जो भी हो तो फिर जिस संस्था के साथ मैं काम करती थी उनको लगा कि चलो ठीक है इसने तो अच्छे से किया ये इसको इतना तो पता है इसका मतलब इसको हम रेड पे भेज सकते हैं तो उसी से शुरू हुआ मेरा रेड जाना इसके बाद एक रेड था जिसमें मुझे सच बताऊं आपको तो मुझे लगता था सिर्फ बच्चों की तस्करी होती है औरतों की तस्करी होती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मर्दों की भी तस्करी होती है, एक एक है, है पचपन के ऊपर की एक औरत है जो जिसकी जो हरियाणा में है ये केस जाके देखा मैंने एक औरत बैठी हुई थी पिंक कलर की सूट पहनी हुई थी उसका पीठ मेरे ऊपर घुमा हुआ था और ऐसा भी हुआ कि आ, फिर पता चला वो गांव का सबसे गरीब घर था उन्होंने तीस हजार रुपये से एक गाय बेचा था और तीस हजार रुपए से एक जमीन बेच के आंटी को खरीदा था आंटी ने मुझे देखते ही मतलब मुझे पकड़ ली और आंटी की शादी जिससे हो रही थी वो बंदा था चौबीस साल का और सबसे आश्चर्य बात आंटी का जो बेटा है वही छब्बीस साल का है और वो डिफरेंटली एबल था मतलब आ, मतलब मैं ये बताना नहीं चाहती बट लोग जनरली उसको मेंटली चैलेंज कहते हैं तो मैंने जब उनको बताया कि आपने जिसकी तस्करी करके लाए हैं वो फिफ्टी फाइव ईयर्स है पचपन साल की है वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं वो बोल रहे हैं अरे ये गिट्टी सी है छोटी है हो ही नहीं सकता मैंने बोला कि असम बंगाल में औरतें छोटी होती है लंबी नहीं होती है। बोलते है, नहीं नहीं हमारे हरियाणा में लोग चौड़े होते हैं लंबे होते हैं हम तो इसको नहीं देंगे ये तो हमारी बहू है बहुत मुश्किल से उनको निकाल के लाई वहाँ पर एक चीज़ देखा मैंने हम पितृसत्ता पितृसत्ता की बातें बहुत करते हैं वहाँ पर मर्दों ने मुझे इतनी गाली नहीं दी दी थी जितनी मुझे औरतों ने गाली दी पूरा गांव उठ गया था मुझे मारने के लिए बहुत मुश्किल था तो उसके बाद तो आ गई इसके बाद मैं दोबारा फिर मेरा जीबी रोड सबसे ज्यादा रेस्क्यू मैंने मैंने जीबी रोड में किया। जीबी रोड रोड में में किया एक चीज देखा सबसे ज्यादा औरतें बंगाली मिलती थी या नेपाली मिलती थी मोस्टली मुझे याद है एक टाइम पे मैंने पुलिस से सुना था जब उनको पता था कि चलो मैं आऊंगी रेड करने के लिए तो ये लोग नेपाली और बंगाली लड़कियों को आधर सीताराम बाजार ले जाते थे या फिर वहां पे गोलचार डिलक्स नवा हॉल है वहां पे ले जाते थे और मैंने ऐसे भी लड़कियों को रेस्क्यू किया जब दो रेस्क्यू दो लड़कियों का रेस्क्यू करने गए आठ लड़कियां निकली टनल था मतलब आप सोचिए एकदम छोटे जो घर में होता है ना कब्बर्ड उसके कब्बर्ड नहीं सोचिए एक एलमिरा का एकदम लोएस्ट वाला टनल उसके नीचे लड़कियां थी आठ लड़कियां उसका वीडियो एनडीटीवी ने लिया है वो भी है ऑनलाइन आप देख सकते हो तो मुद्दा ये है कि जीबी रोड में रहन सहन बहुत अनहाइजीनिक है लोग बड़े मुश्किल से रहते हैं जब मैं जीबी रोड में गई थी तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा जो कोठे होते हैं वो ऊपर होते हैं जो नीचे वाला है जीबी रोड आप अगर चले जाएंगे तो जीबी रोड सबसे एक्सेसिबल रेड लाइट एरिया है पूरे इंडिया में क्योंकि नीचे है बहुत बड़ा हार्डवेयर मार्केट उसमें आपको सारे सैनिटरी चीज़ें मिलेगी उसके ऊपर जी रोड में जितने भी कोठे हैं एक आप जीबी रोड में आप लोग कोई भी चले जाओ तो आप देखेंगे नंबर से होते हैं कोठेस चौंसठ सिक्सटी फोर फिफ्टी सिक्स ऐसे करके नंबर है वो नंबर आइडेंटिटी है मतलब आईडी करके उससे पता लगेगा चाहिए ये कोठा है और कोठा क्या होता है कोठा बहुत छोटा रूम होता है बहुत छोटा एक रूम होता है कोठा आ, अगर आप देखेंगे तो और सीरिया होती है और सीरिया बहुत छोटी छोटी होती है मतलब एक एक कोठे का तो जैसे जनरली कोठेज जो फेमस है वो माइनर्स रहने वाले कोठे हैं जैसे चालीस बयालीस छप्पन बावन सौ ग्यारह ऐसे करके बहुत सारे कोठे हैं जो कि पचपन और और एक चीज़ जो जीबी रोड में मैंने देखा वो है एक कम्युनिटी है राजस्थान में जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी उस कम्युनिटी में वैश्यवृत्ति एक प्रथा है कल्चरल ट्रेडिशन है वो जो घर की बड़ी लड़की बड़ी लड़की है उसको वो करना पड़ता है तो मैंने वो भी एक कोठा देखा दिल्ली जी रोड में और बहुत अजीब ये था कि जो कोठे होते हैं कोठे का जो एंट्री होता है वो तो सीढ़ियों से होता है और एक ना क्या बोलेंगे गोल गोल चक्कर जैसा होता है एक ये कोठा हो गया इससे आप अगर और एक कोठे में जाएंगे तो सीरियो से आपको ऊपर जाना पड़ेगा और जो रूम्स होते हैं रूम्स बहुत छोटे होते हैं मतलब उस रूम में आपका सिर्फ एक बेड ही घुसेगा बेड के आगे कुछ नहीं घुस सकता दोपहर के ढाई बजे तीन बजे से शुरू होगा उनका बिजनेस रात के चार पांच बजे तक चलेगा उसके बाद बंद हो जाता है और सबसे बड़ी बात सारे कोठों के बाहर कोलोसल गेट होता है जो आप पुल करके उसको ताला मार सकते हो तो अगर आपको रेड करनी है तो आप ऐसे बारह साढ़े बारह तक ही रेड कर सकते हो उसके बाद नहीं कर सकते और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है सारे कोठे ज्वाइंड है सबके जो आ, छद है जॉइंड है तो अब अगर आप एक कोठे में रेड करने गए तो वो लड़की दूसरे कोठे में चली जाएगी दूसरे कोठे में रेड करने गए तो तीसरे कोठे में चली जाएगी तो ऐसा वाला सिचुएशन है कोठे छोटे होते हैं जो मैडम जिस रूम में रहती है वो सबसे सुंदर रूम होता है उसमें आपको टाइल्स मिलेगा उसमें आपको कांच लगा हुआ मिलेगा उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी और एक चीज़ कुछ कुछ लड़कियां हैं जो सालों साल जीबी रोड से निकली भी नहीं है क्योंकि ऊपर सब आता है ऊपर पान वाला आता है ऊपर जो कान कान की बाली बेचते हैं गले का नेकलेस बेचते ये सब तरह के लोग ऊपर आते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है लड़कियों को जो भी पैसा मिलता है वो लड़कियों को नहीं मिलता वो मैडम को मिलता है अगर किसी कस्टमर ने खुश होकर बख्शिश भी दे दी वो भी मैडम में छीन लेती है अब कोठे में एक हरार होता है जिसको हम बोलते हैं ऊपर से नीचे तक क्या होता है पहले होता है कोठे का मालिक उसके बाद होगा कोठे का मैनेजर जो कोठा संभालता है जो एकदम टेबल वेबल लेके बैठता है उसके बाद होगा अलग अलग मैडम्स मैडम्स को हम फीमेल सेक्स वर्कर भी बोल सकते हैं जो औरत है जो वैश्यावृत्ति करती है और एक एक मैडम के अंडर पांच-पांच लड़कियां होगी जिनको हम बोलते हैं लोची लोची मतलब वो लड़कियां जो ना घर के हैं ना घाट के है सुनने में बहुत बुरा लगता है बट यही है वर्ड उनको यूज करते हैं एक एक मैडम के पास पांच लड़कियां होती है तो सोचिए एक लड़की अगर ढाई सौ रुपये मिलता है एक कस्टमर के तो पांच कस्टमर के उसको कितना मिलेंगे बारह सौ पचास तो ऐसे बारह सौ पचास पाँच लड़कियों का जो कि सारा मैडम को मिलेगा तो ये है पूरा मतलब ऊपर से नीचे का जो खैरार है जी रोड की ये है मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगी एक कहानी आ, ये जो जी रोड में रेड करने के बाद मैं मेरठ में गई थी कबाडी बाजार एक है बहुत फेमस है वहाँ पे एक लड़की को ढूंढ रही थी वो हजरत निज़ामुद्दीन की लड़की थी हम लोग ढूंढने लगे ढूंढने लगे वो लड़की हमें नहीं मिली फिर फाइनली वो लड़की ने मेरा नाम बुलाया तो मैं मिली उस लड़की को देखे मैं घबरा गई क्योंकि मुझे लग रही थी वो अट्ठाईस उनतीस साल की उस लड़की ने मुझे ऑन रिकॉर्ड बोला कि दीदी मैं दिन में दो रॉयल स्टैक पीती हूँ दिन में तो मैंने बोला क्यों फिर बोलते अगर मैं नहीं पीती तो मैं कस्टमर्स के साथ जा नहीं सकती ड्रग्स भी उसकी मैडम थी बहुत अच्छी शांत सी थी मैंने उनको बोला कि आप इससे वैश्यावृत्ति क्यों करा रहे हो क्यों धंधा करा रहे हो वो चुप रह गई थोड़ी दिन बाद और मुझे बोली दीदी आप मेरी कहानी सुनोगे ना आप रहोगे मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं रोंगी बोल रहे आप रहोगे फिर मैंने बोला बताओ आपकी कहानी हम उसको पुलिस थाना ले आए मेरठ में महिला थाना वो मुझे बोली दीदी मैं चौदह साल की थी जब नेपाल में एक आदमी को मेरे से प्यार हुआ था मैं उसने मुझे प्रेग्नेंट बना दिया मैं उसके साथ कश्मीरी गेट आई थी दिल्ली में और मैं रास्ते में खड़ी रही हूँ मुझे छोड़ के चला गया एक आदमी आया और उस टाइम उसकी जो मैडम थी उसकी उम्र थी चौदह साल बोलती और एक आदमी आया उसने बोला मैं तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी करा दूंगी लेकिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा उसने क्या किया वो क्या करेगी चौदह साल की औरत वो रुकी रही उधर उसके बच्चे का डिलीवरी करा दिया डिलीवरी कराने के बाद बोली कि तुमको ये काम करना पड़ेगा वो औरत नेपाल की थी तो उसने बोला मैंने जब हिंसा इतना देखा है मैंने जब इतना हिंसा मैंने सहा है तो कैसे आपको लगता है कि मैं आ, कुछ और करूंगी और सबसे बड़ी बात उनकी उनका बेटा पढ़ता था वेलहम्स में सोचिए वेलहम्स देहरादून वो वेलम्स ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े आ, एक्टर एक्ट्रेसेस पढ़ते हैं वेलम्स वेलम्स बॉयज उनकी बेटी पढ़ती थी सोफिया में तो आप सोचिए कहीं कहा कैसे ये कनेक्टेड है बहुत लोग बोलते हैं लोग सेक्स वर्क बाई चॉइस करते हैं ऑफकोर्स करते होंगे मैं डिनाई नहीं करती लेकिन मैंने जितने भी औरतों को रेस्क्यू किया है जितने भी लोगों के साथ मेरा वार्तालाप हुआ है सब ने बोला कि पहली बार जो था ये बाई फोर्स था एक चार महीने की बच्ची को मैंने रेस्क्यू किया था क्राइम ब्रांच के साथ मेरे पास फोन आया था कि ये जो बच्ची है ये नोएडा में एक हॉस्पिटल है जिसमें इलीगल बच्चों का मिडल ईस्ट में भेजा जा रहा है बच्चों को दुबई दोहा इन सब जगहों में तो मुझे जाना है क्राइम ब्रांच के साथ दस आठ दस लाख का पूरा एकदम जाली नोट थे उसके नीचे चिप था हम गए तो मैं गई शेख की नौकरानी बनके तो फाइनली बच्ची को जैसे तैसे करके रेस्क्यू किया वो जो डॉक्टर नहीं था उस हॉस्पिटल उस का भाई दबाई वो कंपाउंडर था और उसकी मतलब जो नर्स थी वो दोनों फिर मैंने रेस्क्यू किया लड़की दो दिन मेरे साथ थी बच्ची छोटी बच्ची है दो की बात है वो लड़की मेरे साथ थी फिर हमने उसको अडॉप्शन पर दे दिया जो भी है अभी भी वो केस चल रहा है अभी भी वो केस चल रहा है अभी भी मैं उस केस में उठनेस हूँ जब मैंने उसकी माँ को पूछा नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड लोगों को नहीं पता उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है बच्चे पैदा करना मेरा चॉइस नहीं है पहली बात दूसरी बात जब दीदी भूख लगता है ना पेट में जब भूख लगता है तो पता नहीं लगता बच्चा कौन है और पति कौन है जो पहली जो बात है तो ये तो दूसरा ये तो चलिए तीसरा चौथा केस है और एक केस बहुत खतरनाक मेरे लाइफ का सबसे मतलब बोलते हैं ना कुछ ही केसेस में है, बहुत सारे केसेस के बारे में मैं में मेंशन नहीं कर सकती ये लड़की को मैंने वसंत विहार वसंत कुंज से रेस्क्यू किया था इस लड़की के सर से कीड़ा निकाला था मैंने खुद सफदारजंग हॉस्पिटल में आ, मेरे साथ एक सर्जन थे जो तमिलनाडु के थे उनके साथ उन्होंने बोला पल्लवी मुझे सहायता चाहिए हेल्प करोगे मुझे अभी भी याद है मैं ग्लव्स घुसा के मैंने कीड़े निकाले थे उसके सर से उसके पूरे बॉडी इन्फेक्टेड थे और उसका जो शोषण किया था मतलब जो भी है आप शारीरिक बोलिए मानसिक बोलिए एक ऐसी औरत ने किया था जो कि अभी छूट गई है अब मैंने सुना है कि उनका डेथ भी हो गया है क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था जो भी है सर से लेके पैर तक लड़की की हालत ऐसी थी कि मैं अगर कैमरा में बताऊंगी तो आप लोग शायद खाना नहीं खा पाएंगे इस तरह का टॉर्चर उसके साथ किया सबसे बड़ी बात सब कुछ होने के बाद उसको दो साल बाद कोर्ट में बुलाया गया विटनेस देने के लिए जब वो लड़की के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ वो हिंदी बोलती थी वो झारखंड की लड़की थी दो साल बाद उसको जब बुलाया वो संथाली बोलती है वो हिंदी भूल गई तो ऑफ कोर्स जज को तो बिलीव नहीं होगा ऐसे हजारों केसेस है मेरे पास जो हर दिन इस तरह औरतों को लड़कियों को लड़कों को पीड़ित किया जाता है अब मैंने मैं जिस संस्था के साथ थी मैंने उनको पंद्रह सोलह में छोड़ दिया उसके बाद मैं अलग अलग पुलिस के साथ काम करने लगी जो किसी को नहीं पता क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती बीच में भी मैंने और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया बिकॉज बहुत सारे खुफिया रेस्क्यूज़ करते हैं हम तो ये सब चीज़ों के बा, बाद घर वालों का देखिए मेरी मम्मी को बहुत लोगों ने बोला बहुत लोगों ने बोला क्या करती है आपकी लड़की ये सब एरिया में जाती है शरीर में क्या क्या सफ़ेद लगा रहता है क्या दिमाग ख़राब है उसका मम्मी ने सिर्फ एक ही बात बोला अगर मैं उसको मना करूँगी वो थोड़ी ना मानेगी वो तो नहीं मानेगी उसको जो करना है वो करेगी तो मम्मी ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि मम्मी को पता है कि मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है मम्मी को मम्मी को लगता है ठीक है लेकिन लोग तो अ, मेरे क्लासमेट्स का मुझे नहीं पता क्या सोचते होंगे लेकिन मुझे पता है सब लोग बहुत मतलब मुझे थोड़ा पागल ही समझते थे एक बार मुझे याद है कोर्ट में मुझे चाकू दिखाया गया रिवॉल्वर दिखाया गया बहुत सा बेसअब सब हुए बहुत सारे थ्रेट्स आते थे पैसे का ब्राइब मतलब घूस देने की बहुत आती थी बहुत मुश्किल रहा जर्नी क्योंकि जब मैं पहले काम करती थी जिस संस्था के साथ उसके साथ तो पहले काम करती थी जैसे चार पाँच साल सोचिए उसके बाद मैं अकेले काम करने लगी एज ए कंसल्टेंट जो कि किसी को नहीं पता केसेस आते थे पुलिस के पास जाती थी बहुत बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत दिन खाना नहीं खाया बहुत मुश्किल से आ, किसी को नहीं पता चार पांच बार कोरोना हो चुका है किसी को नहीं पता दो तीन बार तो टेस्टेड था बाकी तो पता ही लग गया था इतना ही मैं उन्होंने गई थी टाइफाइड हुए जॉन्डिस हुए बहुत सारे बीमार हुई इन्फेक्शन्स हो जाते थे हाथ में मतलब क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पर मतलब इतनी गरीबी है मैं आपको बताऊँ उड़ीसा गई हुई थी थोड़े दिन पहले की बात है बात कर रही थी एक औरत पानी में कूदी नहाने के लिए और फिर वो नहीं निकल रही है एक घंटे से मैंने सोचा कहाँ है औरत क्या उनका डेथ हो गया फिर पता चला उस औरत के पास एक जोड़ी कपड़ा है उसके पास कपड़े नहीं है तुम तो इस तरह के लोगों के साथ काम करती हूँ बंगाल में जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरे मेरा मतलब मेरे मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आ, मैं अभी जब बंगाल बंगाल में काम करती हूँ वहाँ पर औरतें चप्पल नहीं पहनती महीनों महीनों तक वो सिर्फ नमक और चावल के साथ पानी मिला पीती हैं आप सोचिए और इतनी गरीबी है इतनी गरीबी है कि लोग पेट में हम बोलते हैं बंगाली में एक चीज टावल को गमछा वो बांध के रखते हैं। तो मेरे मानसिक स्वास्थ्य पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है थोड़े दिन पहले ही मैं एक फेलोशिप में थी उसमें भी मैं शी फॉर चेंज के उसके फेलोशिप में थी और मैं वहाँ पे बहुत रोने लगी और मतलब मेरे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मैं दिखाती नहीं हूँ लोगों को लगता है वाह इतना रेट करती होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा बट फर्क पड़ता है बिकॉज आप इतना एक्सट्रीम वायलेंस देखते हो मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों को मिलते हो जो दस बार रेप हुआ है पंद्रह बार रेप हुआ है आप कुछ सोचिए और कहीं ना कहीं आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है समाज में इतना प्रॉब्लम क्यों है तो शारीरिक तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ है और अभी भी हैं मानसिक बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जस्ट यह है कि मेरी आदत पड़ चुकी है मुझे लगता है अब मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा इसलिए मैं करती हूँ लोगों को लगा था मेरी शादी नहीं होगी फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों को लगता है ये लाल वाले जगह में जाती है इससे कौन शादी करेगा चलो मेरी शादी तो हो गई ऐसा कुछ है नहीं आ, मेरे जो पार्टनर है बड़े सपोर्टिव है ऑन रिकॉर्ड मैंने दस हज़ार लोगों को रेस्क्यू किया लेकिन आप बता आप आपको बता नहीं सकती ये हम रेस्क्यू करके क्या करते हैं कुछ तो करते नहीं है मोस्टली जो सारी संस्थाएं क्या करती है रेस्क्यू करके छोड़ देती है हमको ये समझनी चाहिए कि अगर हम किसी की रेस्क्यू करते हैं तो उसके बाद क्या आगे क्या तो मैंने क्या किया है 2020 में मुझे याद है मैं यूपी में रेस्क्यू वेस्क्यू करती थी वहां पे मुझे पता लगा था कि कुछ हॉस्पिटल्स में बच्चों को कोरोना पॉजिटिव बोल के और उनको डेड बोल के उनके अंगों को निकाल के बेचा जाता था उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया मार्च अप्रैल की बात है 2020 की मैंने 2020 के दिसंबर में अपना संस्था खोला मेरे पास कुछ नहीं था एब्सोल्युटली कुछ नहीं था मैंने संस्था खोला मैंने सोचा मुझे कुछ करना है मैं आसाम में गांव गांव में जा जा के लोगों से बात करती थी कुछ कुछ जगह तो लोग मेरे मुंह पे दरवाजा बोल मारते थे और बोलते थे तो तुम क्या करोगे मैं जब चाय बगानों में जाती थी मुझे इतना धमकी मिलता था बोलता था तुम इनको क्यों इनके अधिकारों में बारे में बता रहे हो तो हमारे पास काम नहीं करेगा पिछले दो सालों में मैंने एक लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात किया है और इनको ये जो मानव तस्करी के बारे में बताया है कि मानव तस्करी क्या होता है क्यों होता है कहाँ के लोग आते हैं कि क्या होता है उनके साथ ये सब पे मैं काम कर रही हूँ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आ, बाल विवाह रुका है ट्राफिकर्स जो गांव में घूमते थे उनके बारे में लोगों को नजर आई है आ, मैंने कमिटियाँ बनाई है गांव में जो ये लिखती है कि कोई बच्चा अगर गांव से जा रहा है कब जा रहा है फ़ोन नहीं आ रहा है तो लोकल पुलिस को बता रहे हैं स्कूल्स में हमने क्लब्स बनाए एंटी ट्रैफिकिंग क्लब्स स्कूल में बच्चों को मॉनिटरिंग होती है अब मेरा एक कैंपेन चलता है रेलवे स्टेशन में जिसमें मैं कूली ड्राइवर्स आ, क्या बोलते हैं जो चाय वाले हैं पानी वाले है, उनसे बात करती हूँ और मैं हर दिन पाँच लोगों से बात करती हूँ उनको ट्रैफिकिंग के बारे में बोलती हूँ डी स्टिग्मेटाइजेशन वर्कशॉप मैं करती हूँ बहुत सारे सामाजिक विभाग के साथ पुलिस वालों के साथ अलग अलग लोगों के साथ और सबसे बड़ी चीज़ है पैसा देखिए अब सब लोग मानेंगे मैक्सिमम टाइम लोगों की तस्करी इसलिए होती है क्योंकि उनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ जिस जगहों में ये लड़की आती है उस जगह की मैपिंग करती हूँ जैसे आसाम हो गया तो आसाम में रिसर्च के बाद मैपिंग करती हूँ इस जगह में क्या हो सकता है अब देखिए आसाम की लड़की को दिल्ली में उठा के लाएंगे और काम करवाएंगे नहीं होगा क्योंकि वो खर्चा देगी या खुद रहेगी तो आसाम में जो हो सकता है या फिर बंगाल में जो हो सकता है वही मैं वहीं पर स्टार्ट करती हूँ ताकि लड़की अपने घर पर रहें और काम करें और अपनी रोजगार निकाल पाए और उसके बाद देखिए मैं उसकी मैं ये नहीं बोलती कि मैं उनकी सपोर्ट करती हूँ उनको असिस्ट करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आज जैसे मैं जो स्टॉक्स में आई हूँ बात कर रही हूँ कल वो आए और बात करें मुझे याद है मेरे आसाम में जो सेंटर चलता है वहाँ पर एक लड़की आई थी जो एक शब्द इंग्लिश नहीं बोलती बोल पाती है अब जब इस बार गई फेर मार्च में उससे मिलने वो मुझे बोलती है दीदी इट्स ए प्लेजर टू मीट यू मतलब मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा तो ये बहुत छोटी छोटी विंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ऑर्गेनाइजेशन नया है दो साल है इसमें अभी भी इतना फंडिंग वंडिंग नहीं है लेकिन मैं जो कंसल्टेंसी करती हूँ या फिर मैं जो मेरे पास इंडिविजुअल डोनर्स है फिर जो लोग हैं उनके थ्रू मैं ये सब करती हूँ ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगी हम लोग क्या बन चुके हैं हम घोड़े जैसे बन चुके हैं हम सिर्फ एक चीज एक जगह देखते हैं तो प्लीज़ अपने आसपास देखिए मुझे अभी भी याद है मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के कॉफ़ी शॉप में बोला था कि मानव तस्करी क्या है फिर वो जब रेलवे स्टेशन में जा रही थी उसने दो दो एक झारखंड लड़की को देखा और उसको डाउट हुआ उसने पुलिस को फ़ोन किया और उस, वो उसने उन दोनों लड़कियों को बचाया मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि आप मेरी तरह एक्टिविस्ट बन जाए सोशल वर्कर बन जाए ये मैं नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ आप लोग को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग क्या करें थोड़ा सतर्क रहें हम क्राइम पेट्रोल में देखते हैं सतर ना सतर्क रहना थोड़ा सतर्क रहे आपको अगर आस कुछ ऐसा दिखे जो कि आपको लगे नहीं ठीक नहीं है तो प्लीज़ उसके बारे में आवाज़ भी न मत उठाइए अपना पहचान गुमशुदा रखिए लेकिन किसी को बताइए पुलिस को बताइए किसी को बताइए और ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं ना आपको रेलवे स्टेशन में भीख मांगते हुए काम करते हुए थोड़ा पता कीजिए कहाँ से आते क्यों आते हैं देखिए क्योंकि क्या है हम सब इंसान हैं आप किसी के पास पैसा है किसी के पास पैसा नहीं है तो जिसके पास है एटलीस्ट हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी और को पीड़ित ना करें और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो डिटेल मिल जाएगा आप कभी भी जुड़ सकते हैं मेरा सारा डिटेल्स पब्लिक है और बस यही और आप सबका थैंक यू कि आपने मुझे सुना